सोलन में एक महिला के साथ उसी के भाई द्वारा मारपीट करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। वहीं गंभीर रूप से घायल महिला का उपचार क्षेत्रीय अस्पताल में चल रहा है। घायल 50 वर्षीय महिला गीता नगर परिषद में सफाई कर्मचारी है, जबकि भाई बेरोजगार है। नशे की हालत में बीती रात करीब 11 बजे ये घटना घटी। घायल गीता ने कहा कि उसका छोटा भाई रात के समय उसके घर आया और दरवाजा खटखटाया। पूछने पर उसने खाना खाने की बात कही। उसने दरवाजा खोला और वापस अपने बिस्तर पर आकर लेट गई। अचानक ही भाई ने दरवाजा बंद किया और गीता के साथ मारपीट शुरू कर दी, जिसमें उसका एक कान और दो उंगलियां भी काट खाई। बुरी तरह लहूलुहान महिला की चीखें सुनकर पड़ोसी ने छुड़वाया और महिला को अस्पताल पहुंचाया। इलीगल एंटर पे गालियां लग गया देने, और मैंने कहा चलो रोज का काम है इसका, देने तो गालियां। मैं पड़े नीचे कमरे में थी, वो ऊपर था लेंटर पे। सबको पता, पूरे मोहल्ले को। मैंने कुंडी लगाई अपना, सवेरे ड्यूटी आना था हमने, मैं सोगी। क्या आया 11:30 बजे, कह रहे क्या कुंडी खोल, कुंडी खोल। मैंने कहा क्या काम है, कह रहा कि मैंने रोटी खानी है। वो कह अच्छा। मैंने कुंडी खोली, मैं अपने बेड पर पड़ गई जाके, बस वो कुंडिया कंडिया लगाई और डंडा चक्या और मेरी कमीज मुझे फाड़ी, कह रहा कि जैसे बापू रहीम उन्हें का हाल है ना, वैसे तेरा हाल करूंगा। तो मेरे भाई लगता है वो छोटा है मेरे से, सुल्फा भी पिया हुआ तो दारू भी पी हुई थी।